सिद्धार्थ नगर से अरुण शुक्ला पत्रकार की रिपोर्ट। पुलिस ने हासिल की बहुत बड़ी कामयाबी। सिद्धार्थ नगर जिले में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव में इस बार पुलिस को एक नई जिम्मेदारी भी दी गई है। पुलिस ऐसे प्रत्याशियों जो निर्विरोध चुने जाएंगे उनके बारे में बारीकी से जांच करेगी कि कहीं निर्विरोध होने के लिए कोई गलत तरीका तो नहीं अपनाया गया है। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे बताते हुए कहा कि इस पंचायत चुनाव में बाहुबलियों पर पुलिस की नजर है। अगर कोई भी प्रत्याशी पर दबाव बनाकर उसे चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करता है तो पुलिस कार्यवाही करेगी, क्योंकि पुलिस की नजर ऐसे लोगों पर भी है जो पर्चा भरने के बाद वापस ले गए। पुलिस ऐसे लोगों से जानकारी लेगी। अगर दबाव में पर्चा वापस लेने या फिर धमकी देने की बात सामने आती है तो पुलिस धमकी देने वाले पर केस दर्ज करेगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिले की पुलिस ने अब तक 25 प्रकरणों में 75 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है और 95 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में कार्यवाही की रिपोर्ट दी गई, जिसमें से 48 व्यक्ति अभी जिला बदर किए गए हैं। यह अपराधी चुनाव तक जिले से बाहर रहेंगे। 527 व्यक्तियों के विरुद्ध 110 जी की कार्यवाही की गई है। 89 अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम में निरुद्ध किया गया है। जिले में कुल 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। 393 व्यक्तियों को अवैध शराब निष्कर्षण में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4164 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। कुल 06 शराब भट्टी भी पकड़ी गई है, जिनमें कई कुंटल लहन नष्ट किया गया है। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंटियों में 45 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जनपद में कुल 4668 मुकदमों में कुल 48373 व्यक्तियों के विरुद्ध 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पाबंद किए जाने हेतु रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें से 4540 मुकदमों में 45234 व्यक्तियों को अनंतिम रूप से पाबंद किया जा चुका है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा चुनाव में किसी भी गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी पाए जाने पर इनसे भारी धनराशि की वसूली की जाएगी। जिले में कुल 395 हिस्ट्री शीट पहले से खुली हुई थी। 38 कुख्यात अपराधियों की हिस्ट्री शीट अभी खोली गई है। चुनाव में संपूर्ण 433 हिस्ट्री शीट की नियमित निगरानी करते हुए इनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जिले में कुल 102 अपराधी सक्रिय अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनका डोजियर तैयार कर उन पर निगरानी रखी जा रही है। जिले के सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण थाना प्रभारियों द्वारा 2-2 बार किया जा चुका है। क्षेत्राधिकारियों द्वारा भी संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण करते हुए आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराई जा रही है। बाइक सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थ नगर। क्या चुनाव जो प्रत्याशी मैदान में है और पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो पुलिस उनको लेकर किस तरीके का फीडबैक लेगी, क्या है पूरा? संपूर्ण जनपद में हमारे 14 ब्लॉक हैं जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया हो रही है और लोकतांत्रिक तरीके से लोग नामांकन कर रहे हैं। सभी जगह हमारी इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई हैं और हम लोग इस पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं कि कहीं किसी को धमकी देकर के तो पर्चा नहीं वापस कराया जा रहा है। और विशेष रूप से हमारी वहाँ नज़र है जहाँ पर निर्विरोध होने की संभावना है या निर्विरोध हो रहे हैं, उन पर हम लोग विशेष दृष्टि रखे हैं कि कहीं ज़बरदस्ती तो किसी का पर्चा नहीं वापस कराया जा रहा है। इस पर हमारी इंटेलिजेंस की टीम लगी है और थाने से भी हम लोगों ने ब्लॉक के आसपास लोगों को लगा रखा है कि इस बात की जानकारी करें कि कहीं कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा। सर, एक पंचायत चुनाव है, तीसरे चरण अपने जिले में चुनाव होना है, इसको लेके अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इस पर चुनाव कराने के लिए क्या तैयारियाँ हैं? हम लोगों ने कुल 1263 मतदान केंद्र जो हमारे ज़िले में हैं उनको 4 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है। एक सामान्य मतदान केंद्र है, एक संवेदनशील है, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस। जो अति संवेदनशील प्लस केंद्र हैं वहाँ पर प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और संवेदनशील अति संवेदनशील प्लस केंद्रों पर विशेष हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो बहुत पहले से निरोधात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दिया था, तो अब तक हमारे द्वारा 75 व्यक्तियों को गैंगस्टर में डिटेन किया गया है और 91 लोगों को हम लोगों ने गुंडा एक्ट में रिपोर्ट दिया था, जिसमें 48 लोग अब जिला बदर हो गए जो चुनाव तक जिले से बाहर ही रहेंगे। और इसके साथ साथ 527 व्यक्ति 110 में हम लोगों 110 जी में बाउंड डाउन किया है और 89 लोगों को हम लोगों ने इलीगल आर्म्स में डिटेन किया है।
393 व्यक्तियों को अवैध शराब में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4164 लीटर शराब बरामद हुई है। 6 शराब भट्टी पकड़ी गई हैं जिनसे भारी मात्रा में लहन को हम लोगों ने नष्ट किया है। और कुल हमारे 63 जो गैर जमानती वारंट थे जो न्यायालय द्वारा जारी थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। और इसी के साथ साथ करीब 48373 व्यक्तियों को फाइनल हम लोगों ने बाउंड डाउन किया गया है। अगर इनके द्वारा किसी भी तरह से गड़बड़ी की जाएगी तो इनसे धनराशि की वसूली की जाएगी। 395 हिस्ट्री सीट पहले से थी, 38 हिस्ट्री सीट हम लोगों ने रिसेंटली अभी खोला है। इस तरह से 433 हिस्ट्री सीटर पर हमारी विशेष निगरानी है और 102 लोगों को हम लोगों ने सक्रिय अपराधी में सूचीबद्ध किया है और जिनकी हमारी नियमित रूप से निगरानी चल रही है और रात में भी इनको तस्दीक किया जा रहा है, दिन में भी इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। सर एक वीडियो